अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, अगेन हम एक नई एनर्जी और एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में कि फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस क्या है, इसमें कौन से ये हमारे पास एक फाइलम है तो ज़हनी बात है इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद है और इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं। स्टूडेंट, तो आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखें कि द टर्म प्लेटीहेल्मिंथेस वाज गिवन बाय गोगेम्बर। गोगेम्बर एक साइंटिस्ट था जिसने फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस का कांसेप्ट दिया। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस का नाम जो प्लेटीहेल्मिंथेस में इसका नाम एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम गोगेम्बर है। ये कब दिया? 1859 में दिया। स्टूडेंट, ये बात याद रखें, इसका मीनिंग क्या है? याद रखें ये हमारे पास दो लफ्जों से बना है, एक को हम प्लेट कहते हैं, दूसरे को हम हेल्मिंथेस कहते हैं। तो प्लेट की मतलब है हमारे पास प्लेट, ये प्लेट की तरह होते हैं, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो प्लेट लाइक होते हैं। और हेल्मिंथेस मीन वॉर्म, तो जाहिर बात है इसमें हमारे पास वो किस्म की वॉर्म मौजूद है जो प्लेट तरह होते हैं, इसीलिए इस फाइलम को हम फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस कहते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं, बॉडी फॉर्म की तरफ, इसका बॉडी किस तरह है। तो ये बात याद रखें, दियर बॉडी इज लीफ लाइक, इसका जो बॉडी है वो हमारे पास कुछ इस तरह है, जैसे हमारे पास एक पत्ता होता है, पत्ता पत्ता एक प्लेट की तरह होता है ना। तो दियर बॉडी इज लीफ लाइक, इसका जो बॉडी है वो हमारे पास लीफ लाइक होता है और पेपर लाइक या एक पेपर की तरह होता है, जिसके नाम से जाहिर है कि प्लेट होता है, सही है। हेंस कॉल्ड प्लेटफॉर्म, इसीलिए इसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं क्योंकि इसका बॉडी जो है वो हमारे पास एक प्लेट की तरह होता है या एक पेपर की तरह होता है, और इसी करैक्टरिस्टिक की वजह से हम इसको प्लेटीहेल्मिंथेस कहते हैं। साइमेट्री, इसका बॉडी में किस तरह साइमेट्री होता है, बाइलेटरली सिमेट्री है या रेडियली सिमेट्रिकल है। तो ये बात याद रखें, दे आर फर्स्ट बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, इसमें जितनी भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ये हमारे पास बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल मीन दैट दे आर कट इनटू टू इक्वल हाफ। सेलुलर लेयर के क्या है, इसकी कितनी लेयर्स बनी हुई हैं, तो दे आर द फर्स्ट ट्रैक्टोप्लास्टिक मेटाजोन। ये बात याद रखें, इससे पहले हमने जितनी भी ऑर्गेनिज्म पढ़े वो सब के सब डिप्लोप्लास्टिक थे, इसमें हमारे पास एक एक्टोडर्म था और एक एंडोडर्म था, मेसोडर्म वहां पर एब्सेंट था, लेकिन यहां पर ये ट्रैक्टोप्लास्टिक है, इसका बॉडी जो है ये थ्री लेयर से बना है, मतलब इसमें इन बिटवीन द टू लेयर देयर इज अनदर लेयर डेवलप व्हिच इज कॉल्ड मेसोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे पास थ्री लेयर्स होते हैं इसको हम मेटाजोन कहते हैं। तो दे आर ट्रैक्टोप्लास्टिक मेटाजोन, ये बात याद रखें स्टूडेंट। कैविटी, दे आर एसिड, इसमें कोई सिलोम नहीं होता है, इसमें कोई कैविटी नहीं होता है। सेगमेंटेशन, इसका बॉडी हम काट सकता है या नहीं काट सकता, सेगमेंट मीन टुकड़े करना। तो ये बात याद रखें, सेगमेंटेशन, देयर बॉडी इज आइदर अनसेगमेंटेड, इसका बॉडी या हमारे पास सेगमेंटेड नहीं होगा, अनसेगमेंटेड होगा, और सुपरफिशियली या थोड़ा बहुत सेगमेंटेड होगा, एंड ट्रू सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, यहां पर इसमें ट्रू सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, या तो अनसेगमेंटेड होगा या सुपरफिशियली होगा थोड़ा लेटर मोर, लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन यहां पर एब्सेंट होगा। स्टूडेंट, ये बात याद रखें। तो यहां पर नोट की तरफ हम आते हैं, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस में हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक हमारे पास फ्री लिविंग होते हैं जो डिजीज कॉजेस नहीं करते हैं, वो आउटसाइड द होस्ट होते हैं, और एक हमारे पास पैरासिटिक फॉर्म होते हैं जो को एंडोपैरासाइट होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की तकरीबन इंटेस्टाइन में। तो ये बात याद रखें, नोट में ये बात याद रखें कि फ्री लिविंग एक्टोडर्म, कि जो फ्री लिविंग हमारे पास जो फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिंथेस है
इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म, ये फॉर एग्जांपल इसका एक्टोडर्म है, इस एक्टोडर्म पर हमारे पास सीलिया मौजूद होते हैं, सीलिया, और ये सीलिया बीटिंग करता है, ये सीलिया बीटिंग करता है, और इसी बीटिंग के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह तक लोकोमोशन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो हमारे पास एंडोपेरासाइट है, जो पैरासिटिक फॉर्म है, इसके लिए तो कोई वो क्या कहते हैं मोशन की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वहां पर फूड होता है, वो क्यों हरकत करते हैं। तो जो फ्री लिविंग होता है इसके एक्टोडर्म पर हमारे पास सीलिया मौजूद होता है, लेकिन जो हमारे पास पैरासिटिक फॉर्म है इस पर सीलिया नहीं होता है, बल्कि इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग एक थिक क्यूटिकल होता है फॉर प्रोटेक्शन के लिए होता है। स्टूडेंट ये बात याद रखें। तो नोट में मैंने ये बात लिखा है कि इन फ्री लिविंग एक्टोडर्म इज सीलिएटेड, जो फ्री लिविंग फॉर्म है इसका एक्टोडर्म जो है ना वो सीलिएटेड होता है, बट पैरासिटिक, लेकिन पैरासिटिक फॉर्म में द सीलिया इज एब्सेंट, इसमें सीलिया नहीं होता है, एंड अ थिक कोट ऑफ क्यूटिकल इज प्रेजेंट। क्यूटिकल आपको पता है कि हमारे पास ये डेड प्रोटीन होते हैं, ये इनसॉल्युबल पार्ट होते हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म में इसमें सीलिया नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर ये बात याद रखें कि यहां पर एक थिक कोट ऑफ क्यूटिकल मौजूद होता है, वो क्या काम करता है, इस प्रेजेंट ये मौजूद होता है फॉर प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम देता है, ये इस ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन करता है, ये बात याद रखें। तो ये बात याद रखें कि फ्री लिविंग में हमारे पास सीलिया मौजूद होता है फॉर द ब्लीडिंग, फॉर द लोकोमोशन, एंड पैरासिटिक फॉर्म में हमारे पास सीलिया मौजूद नहीं होता है, इसमें हमारे पास एक थिक क्यूटिकल मौजूद होता है इस फॉर प्रोटेक्शन। अटैचमेंट ऑर्गन, तो ये बात याद रखें जब ये कोई खुराक हासिल करता है तो ये किसी जगह पर अटैच होगा ना, तो ये किस चीज की मदद के जरिए ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैच होते हैं। तो ये बात याद रखें, इसका माउथ जो है ना, इसका माउथ, इसमें दांत नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म पर चिपका देते हैं और इससे डाइजेस्टेड फूड या ब्लड सक करता है। तो ये बात याद रखें, जो इसकी अटैचमेंट ऑर्गन है वो या हुक्स हो गए, हुक्स जो माउथ के जरिए वो अटैच होते, या सकर मौजूद होते हैं, ऐसे किस्म के माउथ इससे चमका देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से और इससे वो डाइजेस्ट खुराक हासिल कर देते हैं। तो इसके अटैचमेंट और ऑर्गन हमारे पास या तो सकर होंगे और या तो हुक्स होंगे। स्टूडेंट ये बात याद रखें, अटैचमेंट ऑर्गन, ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट इज प्रेजेंट, यहाँ पर ये बात याद रखें, अटैचमेंट ऑर्गन यहाँ पर मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ हुक्स, हुक्स की फॉर्म में और सकर या सकर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये हुक्स या सकर के जरिए किसी ऑर्गेनिज्म पर अटैच होते हैं और इसी ऑर्गेनिज्म से ये खुराक हासिल करते हैं, इसीलिए इसको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। ये हमारे पास तकरीबन इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और वहाँ पर इंटेस्टाइन में आपको पता है कि डाइजेस्टिव फूड होता है और इसी सकर के जरिए वो डाइजेस्टिव फूड को हासिल करते हैं। तो ये बात याद रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैंने पढ़ा आपको, मैंने पढ़ाया है कि ये डाइजेस्टिव फूड खाते हैं, तो डाइजेस्टिव फूड जब खाते हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे खुराक नहीं खा सकते जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये ऐसे खुराक खाते हैं जो ऑलरेडी डाइजेस्ट होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट ये बात याद रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ्री लिविंग फॉर्म, जो हमारे पास फ्री लिविंग फॉर्म होते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड, जो फ्री लिविंग होते हैं आउटसाइड द बॉडी होते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होते हैं, बट इन पैरासिटिक फॉर्म, लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म है इट इज आइदर पूर्णली डेवलप या इसमें पूर्णली डेवलप होंगे या कंप्लीटली मिस होंगे। इसमें हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है क्लास टर्मिनोडा, ये जो क्लास टर्मिनोडा है ये हमारे पास पैरासिटिक फॉर्म है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्णली डेवलप होता है। स्टूडेंट ये बात याद रखें, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये बात याद रखें, नो सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, लेकिन यहां पर ये बात याद रखें, ये ऑर्गेनिज्म तो प्रोटोप्लास्टिक है, इसमें मेसोडर्म मौजूद है, लेकिन यहां पर मेसोडर्म अपना काम
अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइमरी डिवेलपमेंट है, ये अभी स्लो स्लो मैच्योर होगा। फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप करेगा। आगे ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ते हैं, आगे फाइलम में आते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखें कि हमारे पास फर्स्ट ट्रैक्टोप्लास्ट है, मतलब यहाँ पर पहले म्यूजुगम बना हुआ है। तो ये बात याद रखें, यहाँ पर म्यूजुगम फुली फंक्शन अदा नहीं कर सकते। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टूडेंट हमारे पास जोड़ते रहे। ओके स्टूडेंट, पाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक में एक हेडिंग हमारे पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। तो ये बात याद रखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज विद फ्यू फ्लैंक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इज विद फ्यू फ्लैंक्स है, एक्सक्रीशन ये कैसे करता है, इसकी बॉडी में हमारे पास एक इसकी सेल मौजूद होते हैं जो वो डक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फूड है, ये फूड है और यहाँ हमारे पास डक्ट है, ये वो यहाँ पर खून है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है। तो यहाँ पर ये बात याद रखें कि हमारे पास ओपन होता है, यहाँ से भी ये डक्ट आया है और यहाँ से भी ये डक्ट, ये ओपन होता है। तो यहाँ पर कुछ खास स्पेशल किस्म के सेल होते हैं जिसको हम एक्सक्रीटरी सेल कहते हैं, और ये फाइनली इस ओपनिंग के जरिए बाहर जाता है। तो ये बात याद रखें, यहाँ पर कुछ खास किस्म के प्लैंक सेल होते हैं और इस प्लैंक के जरिए ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये बात याद रखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज विद फ्यू प्लैंक सेल, यहाँ पर कुछ प्लैंक सेल मौजूद होते हैं अटैच विद द डक्ट, यहाँ पर डक्ट के साथ अटैच होते हैं, विल ओपन इट टू द एक्सक्रीटरी पोर और फाइनली यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर एक्सोरा होता है और वहां से ये रिमूव हो जाता है। तो ये एक्सक्रीशन कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर बॉडी में कुछ खास किस्म के प्लैंक सेल मौजूद होते हैं और ये यहाँ पर डक्ट के साथ बाइंड होते हैं और ये डक्ट ओपन होते हैं, तो अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर व्हिच इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर। नर्व सिस्टम, तो ये बात याद रखें, इसका जो बॉडी है वो हमारे पास प्लेट लाइक बॉडी है। फॉर एग्जांपल इसका बॉडी इस तरह है, तो ये बात याद रखें, यहाँ पर इसके गैंग्लिया मौजूद होते हैं और इससे कुछ इस किस्म के नर्व्स निकले होते हैं। तो ये बात याद रखें, नर्व सिस्टम इज विद अपीयर ऑफ इंटीरियर सेरिब्रल गैंग्लिया, यहाँ पर इंटीरियर बॉडी के ऊपर साइड पर यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं, इसको हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। तो ये बात याद रखें, एंड अ वेंट्रिकल गैंग्लिया कनेक्टेड टू द नर्व्स रिंग, और फिर ये जो वेंट्रिकल है ये यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, सो नर्व रिंग इसी तरह ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, नर्व रिंग एंड वन और थ्री नर्व कॉर्ड, और यहाँ पर या वन नर्व कॉर्ड मौजूद होगा या थ्री मौजूद होगा। तो ये बात याद रखें, इसका नर्व सिस्टम किस तरह से है कि इंटीरियर बॉडी सर्फेस पर हमारे पास सेरिब्रल गैंग्लिया मौजूद होते हैं और इसी ही गैंग्लिया से वेंट्रिकल बॉडी की तरह हमारे पास ये गैंग्लिया कनेक्ट होते हैं, तो स्पेशल टाइप ऑफ नर्व्स रिंग, और इससे दो हमारे पास एक दो किस्म के न्यूरॉन निकले होते हैं और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स रिंग। तो ये इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मस्कुलर ग्लिया, इसमें मसल कैसे होंगे, तो ये बात याद रखें, मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इसमें टू फॉर्म है, एक पैरासिटिक फॉर्म है और एक फ्री लिविंग फॉर्म है। जो फ्री लिविंग फॉर्म होता है इसमें मस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होगा क्योंकि वो आउटसाइड द बॉडी है और इसके लिए हरकत की काफ़ी ज़्यादा शदीद ज़रूरत है, तो वो मसल के जरिए मूवमेंट करेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो जो फ्री फॉर्म है इसमें मस्कुलर जो लेयर है वो वेल डेवलप होगा। ये बात याद है, मस्कुलर लेयर इज वेल डेवलप इन फ्री लिविंग, फ्री लिविंग में मस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होगा व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन, जो हमारे पास लोकोमोशन में काफी ज्यादा मदद देता है। रिप्रोडक्शन, ये अपना नस्ल कैसे बढ़ा देते हैं, दे आर हर्मेफ्रोडाइट, ये बात याद रखें, इसकी बॉडी में मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सिस्टम मौजूद होते हैं इसको हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वेल डेवलप्ड
डेवलप होता है विद गोनेड्स, मेल गोनेड और टेस्टिस, वेल फीमेल गोनेड्स और ओरिस। तो इसकी बॉडी में हमारे पास टेस्टिस और ओरिस मौजूद होंगे डियर डॉक्टर। और इस सिस्टम में हमारे पास डक्ट भी मौजूद होते हैं, जिसमें जिस तरह हमने मेल में पढ़ा है कि वाज एफेरेंट या एपिडाइडमस, और इस तरह ये डक्ट सिस्टम भी इसमें मौजूद है। एंड कपुलेटरी ऑर्गन, और इसमें हमारे पास कपुलेटरी ऑर्गन भी मौजूद होते हैं ताकि मेल और फीमेल मेल होकर एक दूसरे के अंदर ये सेक्स ऑर्गन डालते हैं और कपुलेशन करते हैं, इसी वजह से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये बात याद रखें, ये हर्मेफ्रोडाइट है, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, गोनेड भी मौजूद होते हैं, डक्ट्स भी मौजूद होते हैं, कपुलेटरी ऑर्गन भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखें। फर्टिलाइजेशन इज आल्वेज इंटरनल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। तो इस आसमान जो फीमेल एग पैदा करते हैं वो स्वान होता है विद यॉक, और इसमें यॉक मौजूद होता है एंड प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर। ये बात याद रखें कि फीमेल जो एग प्रोड्यूस करते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेकिन एक एक नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वेरी लार्ज नंबर प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट की बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन। तो ये बात याद रखें, मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि ये हर्मेफ्रोडाइट बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में मौजूद होते हैं। तो इसमें फर्टिलाइजेशन दो किस्म के होते हैं, सिर्फ भी हो सकते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में फिक्स होकर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कर सकते हैं। तो सेल्फ इन क्रॉस बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन हमेशा ही इंटरनल बॉडी के अंदर होगा। ये बात स्टूडेंट याद रखें। तो ये बात याद रखें, सेल्फ इन क्रॉस बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट, सेल्फ और क्रॉस दोनों टाइप फर्टिलाइजेशन इसमें मौजूद होता है, फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल। ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ और क्रॉस दोनों फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन क्रॉस भी इंटरनल होगा और सेल्फ भी इंटरनल होगा। तो ये बात याद रखें, नो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइज इन और क्रॉस आउट, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसकी बॉडी के अंदर एक बन जाता है, तो ये वो फर्टिलाइज एक फाइनली बॉडी से बाहर करता है, बॉडी से बाहर करता है, और इससे फिर एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो है ना ये बॉडी के बाहर होता है। ऐसा नहीं होता है जैसा इंसान में होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म फीमेल की बॉडी से निकलता है, नहीं, इसमें एक पैदा होता है और एक बाहर माहौल में जब आता है तो वो एक फाइनली या डायरेक्टली डेवलप होता है इंडिविजुअल, या तो डिफरेंट स्टेजेस लार्वा इसमें बन जाते हैं और फिर फाइनली अपने पेरेंटल जैसे शक्ल को अख्तियार कर देते हैं। तो इसमें फर्टिलाइज एक बॉडी से आउट होता है। तो ये बात याद रखें, फर्टिलाइज एक क्रॉस आउट, फर्टिलाइज एक बॉडी से आउट होता है व्हिच आइदर डायरेक्टली ग्रो या इसे डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, डायरेक्टली ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल, और इसी तरह पेरेंट की तरह एक नए इंडिविजुअल से पैदा हो जाता है। अगर नहीं ऐसा नहीं होता है तो फिर इंडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है। तो ये बात याद रखें, फर्टिलाइज एक क्रॉस आउट व्हिच आइदर डायरेक्टली ग्रो या तो डायरेक्टली ग्रो करेगा इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल तक इज अ फ्लिनेज, जैसे फ्लिनेज में होता है, फ्लिनेज में हमारे पास वो लार्वा भी बनते हैं, ये डायरेक्टली डेवलप होता है, एंड टेफॉर्म और टेफॉर्म में भी हमारे पास डायरेक्टली डेवलपमेंट होता है। तो ये बात याद रखें, इसमें कोई लार्वा मौजूद नहीं है, ना फ्लिनेज में मौजूद है और ना टेफॉर्म में, ये इसी ही क्लास की इसी ही फाइलम के मेंबर्स हैं। और different type of larvae's are formed is a liver fluke, लेकिन liver fluke में जब एक इसकी body से बाहर आ जाता है वो एक individual की तरह इससे एक से क्या कहते हैं एक बच्चा पैदा नहीं होता है,
वो इस इंडिविजुअल की तरफ नहीं होता है क्योंकि वो डिफरेंट स्टेजेस के जरिए इंडिविजुअल की तरह शटअप को अपना देते हैं। तो ये बात याद रखें कि वो फ्लूक में जो है ना वो हमारे पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो डिफरेंट लार्वीज, इसमें लार्वीज बहुत ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन जो टेपवर्म है या प्लेनेरिया है, अगर इसमें फर्टिलाइज एक बॉडी से बाहर आए तो ये डायरेक्टली इंडिविजुअल को पैदा कर देते हैं। तो ये बात सोचना याद रखें। रिजेनरेशन इस इम्यूनिटी को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने काट दिया और ये काट हुआ हिस्सा एक नया इसी तरह ऑर्गेनिज्म को पैदा करे, तो इस इम्यूनिटी को हम रिजेनरेशन कहते हैं। तो ये बात याद रखें, रिजेनरेशन इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन क्लास द विलेरिया, क्लास टू द विलेरिया है, इसमें हमारे पास रिजेनरेशन इम्यूनिटी मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास प्लेनेरिया आते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास है, क्लास का विलेरिया है, बट क्लास टर्मिडोडा, जो क्लास टर्मिडोडा है जिसमें हमारे पास ड्यूअल फ्लूक आते हैं, एंड क्लास सेस्ट्रोडा, जो हमारे पास क्लास सेस्ट्रोडा है जिसमें हमारे पास टेपवर्म होते हैं, बी पैरासिटिक। ये टर्मिडोडा और सेस्ट्रोडा ये पैरासिटिक फॉर्म होते हैं, पैरासिटिक है, डू नॉट शो एनी रीजेनरेशन, इसमें कोई रीजेनरेशन नहीं होता है। अगर इसकी बॉडी को आप काट लें तो ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो ये बात याद रखें, जो फ्री ब्रीथिंग फॉर्म होता है इसमें रीजेनरेशन इम्यूनिटी मौजूद होता है, अगर आप इसको काट दें तो ये एक नए इंडिविजुअल को पैदा कर सकता है। लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म है, जो हमारे पास क्लास टर्मिडोडा है, क्लास सेस्ट्रोडा है, या ड्यूअल फ्लूक या टेप वन है, तो इसमें रीजेनरेशन इम्यूनिटी नहीं होते हैं। तो ये बात भी स्टूडेंट यहाँ पर याद रखें कि इस फाइलम में थ्री क्लासेस हैं। एक क्लास हमारे पास क्लास टर्मिडोडा है, जिसको हम प्लेनेरिया कहते हैं, इसमें प्लेनेरिया आता है, सॉरी, और हमारे पास सेकंड क्लास टर्मिडोडा है जिसमें ड्यूअल फ्लूक आता है, और थर्ड क्लास जो हमारे पास है वो क्लास सेस्ट्रोडा है जिसमें हमारे पास टेपवर्म आते हैं। थोड़ा बहुत रह गया है, इसको वो करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप। ओके स्टूडेंट, तो फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नोट में ये बात आप याद रखें कि आर एनिमल ऑफ दिस फाइलम इज सोलिटरी, इस फाइलम में जितने भी एनिमल होंगे वो सोलिटरी होंगे। सोलिटरी का मतलब ये है नॉट फाउंड इन कॉलोनी। इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़ा था, फाइलम कौन सा फाइलम हमने पढ़ा था, इसमें जो ओबीरिया था वो कोरोनल फॉर्म बना सकता था, वो कोरल जो था वो भी कोरोनल फॉर्म बना सकता था, लेकिन इस फाइलम में जितने भी एनिमल होंगे वो सोलिटरी होंगे। सोलिटरी भी दे आर नॉट फाउंड इन कॉलोनी, कि वो कॉलोनी में नहीं रह सकते, वो कॉलोनी नहीं बना सकते। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट इन क्लास सेस्ट्रोडा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, लेकिन ये बात याद रखें कि क्लास सेस्ट्रोडा में हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ये बात याद रखें, कंप्लीटली एब्सेंट होता है, क्यों? क्लास सेस्ट्रोडा में हमारे पास टेपवर्म होता है, बिकॉज टेपवर्म एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहते हैं और इंटेस्टाइन में हमारे पास डाइजेस्टिव फूड मेनली कायम होता है और वो एब्जॉर्ब करता है, और डायरेक्टली वो फिर क्या कहते हैं इसकी बॉडी में जाता है, वो एब्जॉर्ब होता है, इसके लिए डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है, लेकिन ओनली क्लास सेस्ट्रोडा में, क्योंकि ये हमारे पास पैरासिटिक फॉर्म है। नंबर्स, इस फाइलम में कितनी स्पीशीज हैं? दे आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल, ये हमारे पास एनिमल का एक डाइवर्स ग्रुप है, अबाउट 15,000 स्पीशीज, इसमें हमारे पास लगभग तकरीबन एस्टिमेट की राउंड अबाउट 15,000 स्पीशीज मौजूद होते हैं। इस फाइलम में जितने एनिमल मौजूद होते हैं इसकी साइज कितना होता है, तो साइज दे आर रेंज इन साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर। ये बात याद रखें, इसमें जो एनिमल आते हैं इसका रेंज फ्यू मिलीमीटर से लेकर कई फीट तक हो सकता है। जो हमारे पास फ्यू मिलीमीटर का एग्जांपल है वो प्लेनेरिया है।
प्लेनेरिया हमारे पास तकरीबन 10 मिलीमीटर होता है, प्लेनेरिया हमारे पास 10 मिलीमीटर होता है। तो मेनी फील्ड्स मिलीमीटर से लेकर मेनी फील्ड्स तक, मेनी फील्ड्स के एग्जांपल क्या है कि टेपवर्म है हमारे पास, ये रीच एस्टीमेट भी राउंड अबाउट 16 फीट लॉन्ग और 5 मीटर। तो ये बात याद रखें, इसका जो साइज है ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर ये कहीं फीट तक हो सकता है। प्लेनेरिया जो है वो 10 मिलीमीटर है, लेकिन टेपवर्म जो है ये हमारे पास 16 फीट है, मतलब ये 5 मीटर है। तो ये बात याद रखें, इसका बॉडी हमारे पास बॉडी फॉर्म वेरियस होता है, कई ऑर्गेनिज्म इसमें स्मॉल होते हैं और कभी कई थोड़ा मॉडरेट होते हैं, दरमियाना साइज होते हैं और कई ज्यादा लॉन्ग होते हैं। तो ये बात याद रखें, लीवर फ्लूक एंड टेपवर्म कॉजेस मेनी सीरियस डिजीजेस। जो हमारे पास लीवर फ्लूक है या टेपवर्म है, ये हमारे पास एंडोपैरासाइट्स हैं, ये डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। तो ये बात याद रखें, लीवर फ्लूक्स एंड टेपवर्म्स कॉजेस मेनी सीरियस डिजीजेस। किस चीज में ये डिजीजेस कॉज करते हैं? शीप में, गोट में, काउ में, पिग्स में, हॉर्स में, डंकी में एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसमें ये वो क्या कहते हैं डिजीजेस कॉज कर सकते हैं जो हमारे पास लीवर फ्लूक है? किस चीज में? शीप में, गोट में, काउ में, पिग में, हॉर्स में, डंकी में एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल। डोमेस्टिकेटेड एनिमल का मतलब ये है जो कि मतलब घर में वो क्या कहते हैं घर में इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास काउ है, हम इससे दूध हासिल करते हैं, या फॉर एग्जांपल वो हमें बच्चे देते हैं और वो हमें पैसे करते हैं, या कोई इंसान की फायदे के लिए हुआ तो इसको हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल कहते हैं। ह्यूमन टेपवर्म जो इंसान का हुआ है, जो इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, इस आदमी का साइज छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो परागकर्ता है ये इसी वो वर्म्स कहते हैं, इसको इस बेचारे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, तो इसका जो साइज होगा ग्रोथ होगा वो रिटार्डेड होगा, इसका बॉडी अच्छी तरह ग्रोथ नहीं करेगा। नेजिया इसको वो क्या कहेंगे? इसको दिल खराब होगा, थोड़ा बहुत इसको उल्टियां आएगा, इसको हम नेजिया कहते हैं। वेट लॉस, एक दिन से दूसरे दिन तक ये आदमी कमजोर होता जाएगा, इसका वेट कम होता जाएगा, इसका बॉडी का वजन कम होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो खुराक है वो सारा इससे जो है वर्म्स खाते हैं और इसकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो इसका बॉडी का वेट लॉस होगा। एब्डोमिनल पेन, इसकी पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये बात याद रखें कि इसकी पेट के अंदर वर्म्स हैं एंड नर्व डिसऑर्डर, और इसको फाइनली नर्व डिसऑर्डर हो जाएगा, जैसा कि हमारे पास एपिलेप्सिया है जिसको हम मिर्गी कहते हैं, वो इसकी तरह इसका साइन एंड सिम्टम होगा। और फाइनली चिल्ड डेथ इन मेनी कंट्री में इसी वर्म्स के जरिए फाइनली एक चिल्ड्रन का डेथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जो वो पुअर डेवलप है, वहाँ पर आदमी को बेचारों को वो क्या कहते हैं फूड नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रंट नहीं मिलता, तो इनको न्यूट्रंट इनको खुराक काफ़ी मुश्किल से हासिल होता है। अगर इसके पेट में वो वर्म्स होगा वो इसे गाएगा तो मतलब ये इसको खुराक नहीं मिल जाएगा, और फाइनली ये जो चिल्ड्रन है ये जो बच्चा है ये मर जाएगा। तो ये बात याद रखें, इस फाइलम में हमारे पास एग्जांपल्स हैं प्लेनेरिया का बायोलॉजिकल नाम है डुकेशिया।
ये बात याद रखिए, इस नाम को याद करना काफी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि कई बार ईटा में बायोलॉजिकल नाम से इंस्टिट्यूट आते हैं। तो प्लिनेरिया को हम बायोलॉजिकल नाम क्या कहते हैं? लुगेशिया। लीवर फ्लू फेशोला हेपेटिका। टेकवॉर्म टेनिया सोडियम। दोबारा याद करें, लुगेशिया फेशोला हेपेटिका टेनिया सोडियम। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस के बारे में। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो आप लोगों तक मिल जाए। और इसी उम्मीद पर मैं आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। वस्सलाम।